गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन अब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि, उसमें हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी है व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसके नियम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग में आते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, इस व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण आने पर व्यंजन के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। कि ये है कि व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आए या स्वर आए, व्यंजन के बाद में व्यंजन या स्वर दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो स्वर संधि है उसमें स्वर के बाद में स्वर ही आता है, क्योंकि स्वर का स्वर से मेल होता है। और व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है। जैसे दिख प्लस अंबर, यहाँ पर व्यंजन है व्यंजन, और ये क्या है, स्वर है, और ये क्या बन गया, दिगंबर। जगत प्लस नाथ क्या हो गया, जगन्नाथ। इसमें अगर हलंत नहीं होता तो ये क्या हो जाते, स्वर हो जाते, लेकिन ये नीचे हलंत करने से क्या है, व्यंजन है। अब इसका नियम फर्स्ट देखिए, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या ये रे ले रे, या कोई स्वर आए, तो जो पहला वर्ण है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, कैसे हमारे पास कितने वर्ग हैं, जो व्यंजन है कितने वर्ग हैं, पांच वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस प्रकार जो पांच वर्ग हैं उसमें से इनमें से कोई भी अगर इनका पहला अक्षर पहले, यानी कि जो उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद होते हैं, अगर पूर्व पद में प्रत्येक वर्ग का अगर पहला वर्ण हो, पहला वर्ण क्या क्या हो, क, च, ट, त, प, ये पांचों वर्ण अगर हो उसमें, और उसके बाद अगर उत्तर पद में या तो उसी वर्ग, यानी कि किसी भी, जो भी किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण को तीसरा या चतुर्थ वर्ण, तीसरा वर्ण जैसे गै में तो गै और है वह तीसरा और चौथा वर्ण आए, या फिर यह रह बिना हो, तो अगर स्वर हो, अगर पहले पहला वर्ण हो उसके बाद में अगर तीसरा चौथा वर्ण हो, या हो, या कोई भी स्वर हो, तो उसके स्थान पर जो पहले, यहाँ पर जो पहला वर्ण दे रखा है उस वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए अब वाक प्लस ईस, अब इसमें देखिए इसमें क्या है, पहला वर्ण है और यहाँ पे स्वर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये पहला वर्ण है ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो तीसरा क्या हो गया, गे, तो ये क्या बन जाएगा, वागीस। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको आगे तत् प्लस रूप, अब ये रलय हो रहा है, यहाँ पे जो मात्रा होती है वो मात्रा उसी के साथ लग जाएगी जो ये वर्ण है उसके, तो ये क्या हो गया, तद्रूप। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं इसके और उदाहरण देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिख इसके उदाहरण देख लो, नियम फर्स्ट भी दिख प्लस अंबर, अब देखो दिख हो गया, कह है और यहां पे स्वर आ रहा है, तो कह का क्या हो जाएगा, गह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिगंबर। ऐसे ही दिक प्लस गज,
तो यहाँ क्या बनेगा, दिग्गज। ठीक है, सत प्लस वाणी तो क्या हो जाएगा, सदवाणी। जगत प्लस आनंद, जगदानंद। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि कहां पर इसमें आ रहा है। एक और देखो, वाक्य प्लस दान तो ये क्या हो जाएगा, वाग्दान। अब यहाँ पर पहला वर्ण है और स्वर है तो तीसरा वर्ण हो गया। यहाँ पर पहला वर्ण है और ग है, तीसरा वर्ण है तो ये तीसरा हो गया। यहाँ पे तय है और यहाँ पे वह है, यह रहता है वह में से आ रहा है तो यहाँ पर भी तीसरा तय का तीसरा वर्ण हो गया। यहाँ पे भी तय का तीसरा हो गया, यहाँ पे कह का तीसरा होगा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। इस प्रकार देखिए नियम दो कि नियम दो क्या है इसके व्यंजन संधि के। अब नियम दो है हमारा क्या, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले या प्रथम वर्ण के बाद, पहले या प्रथम या पहले की बात है, प्रथम वर्ण के बाद यदि न या न आए, क्या है न या न आए, आए तो जो पहला वर्ण है तो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है। इसमें पंचम वर्ण में या पांचवे वर्ण में या अनुस्वार में, अनुस्वार में आप यहां लिख सकते हो किसमें बदल जाए, अनुस्वार में बदल जाते हैं। अब दूसरा वर्ण, यदि पहले, यदि कोई जो हमारे पांच वर्ग है उनमें से किसी भी वर्ग का अगर पहला शब्द है और उसके बाद में अगर मैं या मैं आ रहा है तो जो पहला वर्ण है वो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। इसके उदाहरण देखिए, जैसे प्लस नहीं, ये अनुस्वार में नहीं बदलेगा, ये पांचवे वर्ण में बदलेगा, अनुस्वार में दूसरा है। पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, जैसे वाग में का क्या हो गया, वाग में का क्या हो गया, वाम में। ठीक है, इसी प्रकार जगत प्लस नाथ, मैं या मैं आ रहा है तो ये क्या हो गया, जगन्नाथ। ये भी पांचवें वर्ण में बदल गया, तय किसमें बदल गया, पांचवें वर्ण में बदल गया। सट प्लस मास तो ये क्या हो गया, सन्मास। तो इस प्रकार तो ये क्या होगा, अम्मे। यहाँ पर पहला है, पहला वर्ण है उसके बाद में मैं है तो ये इसी के पांचवे वर्ण में बदल गया। यहाँ पे तय है, यहाँ पे मैं है, मैं है, मैं है, यानी कि पहला वर्ण उसके बाद में मैं या
ने आ रहा है तो जो ये पहला वर्ण है वो किसमें बदल जाएगा, पांचवे वर्ण में बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा नियम तीसरा है, तीसरा नियम देखिए, अब जैसे तीसरा नियम है, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए थे, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन मैं आपको बता देती हूँ, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और प वर्ग, इन पांच हमारे वर्ग हैं और पांचों वर्गों में पांच पांच वर्ण है, यानी कि पांच पचम पच्चीस, पच्चीस जो वर्ण हैं इस वर्ग के वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यदि मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं जुड़ने वाले जो मैं जुड़ने वाला वर्ण है उसका क्या होता है, जुड़ने वाले मैं जुड़ने वाले वर्ण का क्या होता है, ये तो वो पांच वर्ण बदलता है या अनुस्वार में बदल जाता है, जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। अब इसमें ध्यान रखना, पहले हमारे दो नियम हमने पढ़े थे कि पहले नियम में क्या था, अगर पहला जो पांच वर्ग है उसके अगर पहले वर्ण के बाद में अगर चौथा या तीसरा या चौथा वर्ण आए या यर लव आए या फिर कोई स्वर आए तो उसका पहले का क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। दूसरा हमने नियम पढ़ा था कि अगर पहले वर्ण के बाद में न या मैं आए तो पहले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब हमारा तीसरा नियम ये है, यदि पहले मैं आए और मैं के बाद में अगर कोई सा भी वर्ण, कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, कोई भी स्पर्श व्यंजन हो यानी कि कैसे लेकर और मैं तक कोई भी व्यंजन आए तो उसी व्यंजन जो बाद में जो व्यंजन आएगा उसका पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाएगा। अब देखो जैसे उदाहरण देखिए, सम प्लस तोस, अब इसमें देखिए मैं आ रहा है पहले, उसके बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, तय आ रहा है, तय का पांचवा क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, न या अनुस्वार। अगर हम इसको लिखना चाहें न से तो संतोष हो गया, अगर अनुस्वार के रूप में लिखना चाहें तो दोनों हमारे दोनों ही सही है, सही है ना। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो देखिए, अहम प्लस कार, तो ये क्या हो जाता है, अहंकार अनुस्वार में बदल जाता है, क्या हो गया, अहंकार। इसी प्रकार सम प्लस गम, तो यहां क्या हो गया, संगम, ठीक है। और इसके बाद किम प्लस चित, तो ये हो गया किंचित। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहले मैं आ रहा है उसके बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो जो ये वाले शब्द हैं इनका पांचवा वर्ण या अनुस्वार लगे जाता है। इसके स्थान पर मैं के स्थान पर इनका कोई सा भी, जैसे कैका
टै का पांचवा है न, इसका है ये, गे का है, इसका भी न है, सॉरी ये है, और चे का ये है। तो जो पांचों वर्ण है या फिर अनुस्वार में बदल जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और आज हमारे लिए इतना ही काफी है, आगे हम और बाकी के जो हमारे नियम है वो कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।